एक बेसिक स्क्वायर नॉट के लिए हमें 4 स्ट्रैंड्स चाहिए, इसीलिए लार्क्स हेड नॉट बनाना शुरू करें। 4 स्ट्रैंड्स के लिए हमें ऐसे 2 लार्क्स हेड नॉट्स बनाना होगा। अन्य उपयोगी डिटेल्स और लार्क्स हेड नॉट को सबसे जल्दी बनाने के तरीकों के लिए ऊपर के आई बटन या डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें। बीच के दोनों स्ट्रैंड्स फिलर कॉर्ड्स हैं जो हमेशा साथ रहते हैं। काम करते वक्त इन्हें एक ही कॉर्ड समझें और बाहरी दोनों स्ट्रैंड्स को वर्किंग कॉर्ड्स। स्टार्ट करने के लिए किसी भी साइड का वर्किंग कॉर्ड लें। मैं राइट से स्टार्ट कर रही हूँ। कुछ इस तरह से बनाएं जो नंबर 4 के समान हो। लेफ्ट वर्किंग कॉर्ड को 4 के निचले हिस्से के ऊपर रखें, फिर साथ में रहने वाले बीच के दोनों फिलर कॉर्ड्स के नीचे से होते हुए राइट साइड में बने लूप से बाहर निकाल दें। टाइटली पुल करें और एक साथ सिक्योर कर दें। ये स्क्वायर नॉट का आधा हिस्सा है। दूसरे आधे भाग के लिए सेम चीज दूसरे लेफ्ट साइड में दोहराएं। अब लेफ्ट वर्किंग कॉर्ड को नंबर 4 में सेट करें और राइट वर्किंग कॉर्ड के नीचे से ले जाएं। सेम यही राइट वर्किंग कॉर्ड फिलर कॉर्ड्स के नीचे से होते हुए लेफ्ट साइड में बने लूप से बाहर निकाल दें और टाइटली सिक्योर करें। अब ये एक कंप्लीट स्क्वायर नॉट है। ये बहुत आसान है। एक बार घर पे खुद से ट्राई करें, जरूर कर पाएंगे। किसी भी पॉइंट पे कंफ्यूजिंग लगे या डिफिकल्टी हो तो वीडियो पॉज करके दोबारा ट्राई करें। कभी कभार यदि ये ट्रैक मिस हो जाए कि किस साइड से शुरू किया था, जिसे सीक्वेंस खराब हो जाए या एक ही साइड में रिपीट होता रहे, तब ये बात याद रखना, जिस साइड से शुरू होता है ऊपर का बना स्ट्रैंड ऑपोजिट साइड में बनेगा। जब अपनी गलती दिखे उसे खोल के सुधार लें। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ ऊपर का बना ब्लू स्ट्रैंड राइट साइड में है, इसीलिए स्क्वायर नॉट राइट से ही शुरू करें ताकि ऊपर का बना अगला स्ट्रैंड लेफ्ट पे बन जाएगा, जो नॉट को बैलेंस करने के साथ साथ स्क्वायर नॉट को कंप्लीट भी करेगा। डोंट वरी, शुरुआत में दिखने में भले ही कॉम्प्लिकेटेड लगे, पर ट्रस्ट मी, ग्रेजुअली इसका हैंग हो जाने पर एक टाइम ऐसा आएगा जब इसे बंद आंखों से भी कर सकते हैं। मजाक नहीं कर रही। कीप ट्राइंग। जब तक आपको सिर्फ इस पे फोकस ना करते हुए मल्टीटास्क भी कर सकते हैं अपना फेवरेट सीरीज देखते हुए। ट्रस्ट मी, काफी थेरेप्यूटिक है ये। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे होम, स्टे सेफ।